हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो सीएसआर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे। तो इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे जो है, इंसुलिन एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो हार्मोन है, जो इंसुलिन जो पैनक्रियास से बीटा सेल से रिलीज होता है। तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन का फंक्शन क्या है? ब्लड ब्लड से ग्लूकोज लेवल का कम करना। तो इंसुलिन का जो रिसेप्टर है, इंसुलिन का रिसेप्टर एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज और आरटी के रिसेप्टर है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि यहाँ पर इंसुलिन रिसेप्टर का जो सब यूनिट है, यहाँ पर इंसुलिन रिसेप्टर का अल्फा सब यूनिट है, यहाँ पर इंसुलिन रिसेप्टर का बीटा सब यूनिट है। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि अल्फा सब यूनिट, यहाँ पर बीटा सब यूनिट। जो इंसुलिन रिसेप्टर का जो अल्फा सब यूनिट है, वो सेल के बाहर की तरफ रहता है। ये एक्सटीरियर साइड है सेल का, एक्सटीरियर साइड। यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह है साइटोसोल साइड। तो जो अल्फा सब यूनिट है इंसुलिन रिसेप्टर का, अल्फा सब यूनिट सेल के आउटर फेस में है। तो अल्फा सब यूनिट डाइसल्फाइड बॉन्ड से अल्फा अल्फा सब यूनिट जुड़ा हुआ है। डाइसल्फाइड बॉन्ड से अल्फा सब यूनिट यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और जो बीटा सब यूनिट्स है, बीटा सब यूनिट्स जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोल की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट है। बीटा सब यूनिट्स यहाँ पर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोल में यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर मैं अल्फा और बीटा सब यूनिट जो है, एक ही डाइसल्फाइड बॉन्ड से अल्फा और बीटा सब यूनिट्स यहाँ पर जुड़ा हुआ प्रेजेंट है। तो अल्फा अल्फा सब यूनिट्स यहाँ पर प्रेजेंट है जुड़ा हुआ, और अल्फा के साथ बीटा सब यूनिट्स डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ प्रेजेंट है। इंसुलिन जो रिसेप्टर है, तो उसका जो ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोल सेल की साइटोसोल की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट है और एक्सटेंड होकर यहाँ पर प्रेजेंट है बीटा सब यूनिट्स। यहाँ पर सिग्नल आने के बाद और इंसुलिन हार्मोन यहाँ पर बाइंड होने के बाद रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है, डाइमरेशन होता है। और मैंने बताया था कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज ऑटो क्रॉस फॉस्फोरेशन यहाँ पर होता है। ऑटो क्रॉस फॉस्फोरेशन कि यहाँ पर कौन सा डोमेन है, मैंने बताया था रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में कि यहाँ पर टायरोसिन काइनेज डोमेन और इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ऑटो क्रॉस फॉस्फोरेशन होता है टायरोसिन रेसिड्यू में और टायरोसिन अमीनो एसिड में। जो फॉस्फोर यहाँ पर टायरोसिन काइनेज डोमेन है, टायरोसिन काइनेज डोमेन ठीक टायरोसिन काइनेज डोमेन के ठीक नीचे यहाँ पर एक और डोमेन है जिसका नाम है IRS1, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1, जिसे हम फॉस्फोटायरोसिन डोमेन भी कहते हैं, IRS1 और इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1। तो यहाँ पर ये जो डोमेन है IRS1 और इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1, और जिसे हम फॉस्फोटायरोसिन डोमेन भी कहते हैं, तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होता है टायरोसिन रेसिड्यू में। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होता है टायरोसिन रेसिड्यू में। तो ये जो टायरोसिन काइनेज डोमेन था, टायरोसिन काइनेज डोमेन इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 डोमेन में टायरोसिन रेसिड्यू में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी प्रोटीन बाइंड होगा फॉस्फोटायरोसिन डोमेन से और IRS डोमेन से, IRS1 डोमेन से, तो उस प्रोटीन में SH2 डोमेन प्रेजेंट होना चाहिए। जो भी प्रोटीन यहाँ पर बाइंड होगा फॉस्फोटायरोसिन डोमेन से और IRS1 से, तो उस प्रोटीन में और जो प्रोटीन बाइंड होगा उस प्रोटीन में SH2 डोमेन प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉस्फोटायरोसिन डोमेन और IRS1 में एक काइनेज बाइंड हुआ जिसका नाम है PI3 काइनेज IRS1 डोमेन से बाइंड हुआ। PI3 काइनेज यहाँ पर बाइंड होने के बाद जो PIP2 है, फॉस्फोइनोसिडाइड 3,4-बिसफॉस्फेट PIP2, तो PI3 काइनेज PIP2 को क्लिप करता है और PIP3 का फॉर्मेशन करता है। PIP2 को क्लिप करके कौन क्लिप करा? PI3 काइनेज PIP2 को क्लिप करके PIP3 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर PIP3 का मतलब फॉस्फोइनोसिडाइड 3,4,5-ट्राइफॉस्फेट। PI3 के साथ एक काइनेज बाइंड होता है जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज बी, जिसे हम सेरीन थ्रेमिन काइनेज भी कहते हैं। प्रोटीन काइनेज बी और सेरीन थ्रेमिन काइनेज, प्रोटीन काइनेज बी PI3 के साथ बाइंड होने के लिए प्रोटीन यहाँ पर जो डोमेन प्रेजेंट है जिसका नाम है PH डोमेन, जिसे हम आई के लेक्चर में डिस्कस किया था, प्लेक्सिस्टिन होमोलॉजी डोमेन। तो प्रोटीन काइनेज बी, जिसे हम सेरीन थ्रेमिन काइनेज कहते हैं, PI3 के साथ बाइंड हुआ भाया PH डोमेन, प्लेक्सिस्टिन होमोलॉजी डोमेन। पीकेबी जब एक्टिवेशन होता है, पीकेबी का एक्टिवेशन हमने देखा है कि
PIP3 के साथ एक और काइनेज बाइंड होता है जिसका नाम है PDK1। PDK1 क्या करता है, PDK1 प्रोटीन काइनेज बी को फॉस्फोरेशन करवाता है, प्रोटीन काइनेज बी को बी में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है, प्रोटीन काइनेज बी का एक्टिवेशन होता है और प्रोटीन काइनेज बी PIP3 से डिसोसिएट होकर साइटोसोल में आ जाता है प्रोटीन काइनेज बी। तो यहां पर प्रोटीन काइनेज बी का एक्टिवेशन हमने आगे के लेक्चर में डिस्कस किया था कि PIP3 के साथ एक और प्रोटीन बाइंड होता है जिसका नाम है PDK1। PDK1 जो है PDK1 प्रोटीन काइनेज बी को फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके प्रोटीन काइनेज बी को एक्टिवेशन करवाता है और प्रोटीन काइनेज बी PIP3 के साथ डिसोसिएट होके वो अकेला साइटोसोल में प्रेजेंट है। यहां पर PKB जो है प्रोटीन काइनेज बी वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रोटीन काइनेज बी GSK जो 3 है, GSK3 ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3, तो प्रोटीन काइनेज बी GSK3 को फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके GSK3 में प्रोटीन काइनेज बी GSK3 में फॉस्फेट ग्रुप का ऐड करके प्रोटीन काइनेज बी को यहां पर इनहिबिशन करता है, इनहिबिट करता है। तो प्रोटीन काइनेज बी GSK3 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके GSK3 को यहां पर इनएक्टिव कर देता है प्रोटीन काइनेज बी। अगर ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज इनहिबिट हो गया, इनएक्टिव हो गया, तो यहां पर ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव हो जाएगा। अगर प्रोटीन काइनेज बी GSK3 को इनएक्टिव कर देता है बाय द फॉस्फोराइलेशन, तो यहां पर ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज यहां पर एक्टिव हो जाता है, ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव हो जाता है। और ग्लाइकोजन सिंथेज एक एंजाइम है जो ग्लाइकोजन सिंथेज का फॉर्मेशन करता है और ग्लाइकोजन सिंथेज का प्रमोट करता है। तो ग्लाइकोजन सिंथेज प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव होने के बाद ग्लाइकोजन का सिंथेज करवाता है। तो ग्लूकोज से यहां पर ग्लाइकोजन बनता है जो ग्लाइकोजन सिंथेज करता है ये काम। और प्रोटीन काइनेज बी मसल और फैट टिश्यू में, फैट में और मसल में जो सेल है एडिपोज सेल और मसल सेल, तो प्रोटीन काइनेज बी जो एक ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो प्रोटीन काइनेज बी मसल और फैट टिश्यू में जो मेम्ब्रेन में है, मेम्ब्रेन है मसल सेल का मेम्ब्रेन, फैट सेल का जो मेम्ब्रेन है, तो मसल का मेम्ब्रेन और फैट का मेम्ब्रेन जो है सेल में, तो उस सेल में GLUT4 ट्रांसपोर्टर को वहां पर मेम्ब्रेन में ऐड करता है। मान लो कोई एक सेल है तो मसल का सेल, यहां पर GLUT4, यहां पर GLUT4, यहां पर GLUT4, यहां पर GLUT4, यहां पर GLUT4। प्रोटीन काइनेज बी क्या करता है, मसल और फैट सेल में मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पर GLUT4 ट्रांसपोर्टर को GLUT4 ट्रांसपोर्टर को यहां पर ऐड करता है मेम्ब्रेन के ऊपर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहां से ग्लूकोज यहां पर अंदर आ सके, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज यहां पर अंदर आ सके। तो यहां पर क्या, प्रोटीन काइनेज बी मसल और फैट टिश्यू में मेम्ब्रेन, उस मसल सेल और फैट सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर GLUT4 ट्रांसपोर्टर को यहां से इस तरीके से ऐड करता है, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होकर सेल के अंदर की तरफ आ जाए। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन काइनेज बी मेम्ब्रेन, सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर GLUT4 ट्रांसपोर्टर को ऐड करता है जाके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज उस GLUT4 ट्रांसपोर्टर से सेल के अंदर की तरफ आए। और सेल में, अगर सेल में ग्लूकोज का कंसम्पशन ज्यादा होगा तो मसल और फैट सेल क्या करेगा, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट करने का काम करता है ग्लाइकोजन सिंथेज। जब एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो ग्लाइकोजन सिंथेज का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोटीन काइनेज बी एक तो GLUT4 ट्रांसपोर्टर को ऐड करता है मसल और फैट टिश्यू में फ्रॉम द इंटरनल वेसिकल, और GSK3 को इनहिबिट करके ग्लाइकोजन सिंथेज का एक्टिव करता है, और ग्लाइकोजन सिंथेज ग्लाइकोजन फॉर्मेशन का काम करता है। तो यहां पर जो मैंने बताया प्रोटीन काइनेज बी GSK3 को जो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके इनहिबिट करता है, तो यहां पर आप याद रखिए यहां पर सेरीन रेसिड्यू में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है, GSK3 में सेरीन रेसिड्यू में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है प्रोटीन काइनेज बी। तो ये जो इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे है, इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे में यहां पर मैंने बताया कि जो IRS इंसुलिन रिसेप्टर सबस्टिट्यूट ऑन डोमेन है और फॉस्फोटाइलेशन जो डोमेन यहां पर प्रेजेंट है, इससे बाइंड होता है PI3 काइनेज वाया SH2 डोमेन। तो ये जो डोमेन है
यहाँ पर PI3 काइनेज के अलावा जो मैंने बताया था GRB2 एक एडाप्टर प्रोटीन है, जो सॉस मैंने बताया, जो सॉस एक गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, वो भी यहाँ पर इस डोमेन में PI3 काइनेज के अलावा यहाँ पर GRB2 एडाप्टर प्रोटीन भी यहाँ पर बाइंड हो सकता है GRB2। तो यहाँ पर GRB2 भी बाइंड हो सकता है, GRB2 सॉस से सॉस के साथ बाइंड होगा। सॉस के साथ बाइंड होने के बाद सॉस क्या करेगा, रियास को एक्टिवेट करेगा, रियास रैप को, रैप एमिको को, एमिको ERK को, ERK न्यूक्लियस में जाएगा, ELK जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ERK को ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन करेगा और से जीन एक्सप्रेशन होगा। तो इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे जो है, इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे PI3 काइनेज के थ्रू काम कर सकता है, और इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे रियास मैप जो काइनेज पाथवे है, जो जो GRB2 और सॉस जो है रियास रैप इमी के ERK इस तरीके से भी काम कर सकता है इंसुलिन रिसेप्टर और इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे। तो ये जो इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे है, इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे मैंने यहाँ पर शॉर्टकट डायग्राम के थ्रू दिखाया है कि यहाँ पर मैंने बताया कि IS ऑन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर फॉस्फोराइलेटेड एंड PI3 काइनेज बाइंड टू IRS1। जो IRS डोमेन था इंसुलिन रिसेप्टर के, IRS डोमेन का फॉस्फोरेशन होने के बाद IRS डोमेन से क्या बाइंड हुआ, PI3 काइनेज यहाँ पर बाइंड हुआ। PI3 काइनेज क्या करता है, प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ PIP3 फ्रॉम PIP2। तो PI3 काइनेज मैंने बताया था, PI3 काइनेज मेंबर में जो PIP2 है उसको क्लिप करके PIP2 से PIP3 का फॉर्मेशन करता है। PIP3 बाइंड होता है मैंने बताया था प्रोटीन काइनेज B से। तो यहाँ पर एक दो, तो PIP3 किससे बाइंड हुआ, प्रोटीन काइनेज B से। प्रोटीन काइनेज B एक्टिवेशन होने के बाद GSK3 को, GSK3 में सेरिन रेसिड्यू में फास्फेट ग्रुप को ऐड किया। प्रोटीन काइनेज B ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज और GSK3 में सेरिन रेसिड्यू में फास्फेट ग्रुप को ऐड करके क्या किया, GSK3 को इनएक्टिवेट किया। GSK3 इनएक्टिवेट हो गया और यहाँ पर क्या हुआ, ग्लाइकोजन सिंथेस जो है, ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम, ग्लाइकोजन सिंथेस यहाँ पर एक्टिव हुआ। ग्लाइकोजन सिंथेस क्या करता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करवाता है, ग्लाइकोजन सिंथेस ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। और प्रोटीन काइनेज भी क्या करता है, और एक फंक्शन है उसका कि मूवमेंट ऑफ ब्लड फॉर ट्रांसपोर्टर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल और फैट टिश्यू एंड इंक्रीजिंग अपटेक ऑफ ग्लूकोज। तो फैट और मसल का जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन में ग्रुप फोर ट्रांसपोर्ट का ऐड करके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड से फैट और मसल से मसल सेल में अंदर आ सके और फैट और मसल सेल ग्लूकोज को कन्वर्शन करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में वहाँ पर स्टोर रखेगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज। तो ये था इंसुलिन सिग्नलिंग की पाथवे के बारे में, और मैंने बताया था कि जो इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे है वो GRB2 और सॉस के थ्रू भी काम कर सकता है। कि यहाँ पर जो है कि जो IRS ऑन दो डोमेन है, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट ऑन डोमेन, इस डोमेन में GRB2 PI3 काइनेज के अलावा यहाँ पर GRB2 यहाँ पर बाइंड हो सकता है। GRB2 जो एक एडाप्टर प्रोटीन है, GRB2 बाइंड होने के बाद यहाँ पर GRB2 के साथ बाइंड होगा क्या, सॉस यहाँ पर बाइंड हो सकता है। सॉस क्या करेगा, मैंने बताया था कि रियास जो GDB फॉर्म प्रेजेंट है, रियास GDB को वहाँ से हटाकर रियास के साथ GTP को ऐड करेगा। रियास एक्टिवेशन होने के बाद रैप के साथ रैप को एक्टिवेशन करेगा, रियास रैप को एक्टिवेशन करेगा। रैप एक्टिवेशन होने के बाद रैप एक्टिवेट करेगा EMIKI को, EMIKI एक्टिवेशन होने के बाद ERK एक्टिवेशन होगा बाय द फॉस्फोरिलेशन, जो भी है फॉस्फोरिलेशन के थ्रू एक्टिवेशन होगा। EMIKI ERK न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसका नाम है ELK, उसको एक्टिवेशन करेगा। वहाँ पर जो मॉलिक्यूल जो सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर है, DNA में जो सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट है उसके साथ जाकर बाइंड होगा। वहाँ पर फॉस जून मीक ये सब जो प्रोटीन है वो उसका एक्सप्रेशन होगा, और फॉस जून मीक ये सब प्रोटो ऑन्कोजिन है जो सेल का प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। तो यह था इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।